Hello students, in this video we will discuss program control instructions. So what is program control instruction? Instructions are always stored in successive memory locations. When processed in CPU, the instructions are fetched from consecutive memory location and executed. Means ki jehdiyan todiyan instructions hundiyan hamesha consecutive memory location vich store hundiyan. Jadon CPU ne kise vi instructions nu run karna hai तो इंस्ट्रक्शन नू चकूगा पहला फैच करूगा कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन तो दैन एग्जीक्यूट करूगा ईच टाइम इंस्ट्रक्शन इज फैच फ्रॉम मेमोरी हर बार जो इंस्ट्रक्शन थोड़ी फैच होंगी है मेमोरी तो द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है सो दैट इट कंटेन द एड्रैस ऑफ नैक्सट इंस्ट्रक्शन सीकुएंस यदा मतलब की है कि ताकि जी थोड़ी अगली इंस्ट्रक्शन सीकुएंस में रन होनी है वह एड्रैस वेद आ जाए पहला प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 101 है तो जो 101 रन हो रही होगी तो अगली जी इंस्ट्रक्शन रन होनी है वह एड्रैस जो पीसी के प्रोग्राम काउंटर के आजूगा तो अगला एड्रैस अपना जिम्मे कह दिए 102 है 102 रन हो रही होगी तो 103 का एड्रैस आजूगा पर जड़िया प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होंगे जो एग्जीक्यूट होंगे इट मे चेंज द एड्रैस वैल्यू इन द प्रोग्राम काउंटर एंड कॉज द फ्लो ऑफ कंट्रोल टू बी ऑल्टर्ड यह जो है प्रोग्राम का फ्लो हैगा ऑल्टर चेंज कर देंगे The change in value of program counter as a result of execution of program control instruction causes a break in sequence. The sequence जो चल रहा होंगे वो ब्रेक आ जाती है क्यों ब्रेक आ जाती है क्योंकि ये इन्हों कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ने जो कंडीशन है वो अकॉर्डिंगली प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है ऑल्टर कर देना हूँ बहुत सारिया प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होंगे जो टेबल के शो की हुई हैं सब तो पहला आ गई थोड़ी ब्रांच जंप फिर हैगी है जी स्किप कॉल रिटर्न कंपेयर एंड टेस्ट जिवें आप एग्जाम्पल लईए जंप इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन 101 है अगली इंस्ट्रक्शन अगला एड्रैस आ गया 102 हूँ उन्हें नैक्सट 103 से आना सी पर आप लगाता जंप 300 तो प्रोग्राम काउंटर के कहड़ा एड्रैस चला जाऊगा 300 तो हम 300 इंस्ट्रक्शन रन होगी जो 300 एड्रैस से पई है वह वाली इंस्ट्रक्शन जी रन होगी क्योंकि जंप करके प्रोग्राम 300 एड्रैस से चला गया एवं ही स्किप इंस्ट्रक्शन आ गई स्किप की है 101 आई पहला फिर 102 के अगे आप स्किप लिखता तो 102 तो बाद 103 आनी सी पर 103 नहीं रन होगी क्योंकि आप 102 के अगे स्किप लिखा हुआ तो नैक्सट इंस्ट्रक्शन कि रन होगी 104 एवं अगली इंस्ट्रक्शन आ गई थोड़ी कॉल कॉल के जो आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम आपके प्रोग्राम कॉल कर लें जिमें फंक्शन बनाया एक फंक्शन कॉल कर लिया जिथे कॉल किया उ रन हो जूगा उस तो बाद दोबारा प्रोग्राम का कंट्रोल सेम उस जगह पर चले जाऊगा जितों आप चक्या जो आप दोबारा कंट्रोल वापस बैक भेजना वो आप रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज करा उस नैक्सट आ गई जी कंपेयर अगर तुम दो ऑपरेंड्स जो सबट्रैक्शन करना चाहते हो तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज करोगे अगली आ गई जी टेस्ट टेस्ट हैगी है टेस्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स द लॉजिकल एंड ऑफ टू ऑपरेंड्स एंड अपडेट द सर्टेन स्टेटस बिट्स विदाउट रिटेनिंग द रिजल्ट और चेंजिंग द ऑपरेंड ऑपरेंड नू बिना चेंज किए जो है इनू अपडेट कर दूगी उस तो बाद नैक्सट स्टेटस बिट कंडीशन हम स्टेटस बिट कंडीशन की होंगे इन्हों कंडीशन कोड और फ्लैग बिट्स भी कह दें फोर तड़िया स्टेटस बिट्स होंगे सी एस जेड एंड वी सी इज फॉर कैरी एस इज फॉर साइन बिट जेड इज फॉर जीरो एंड वी इज फॉर ओवरफ्लो द बिट्स आर सैट और क्लीयर टू जीरो सैट मीनस वन और क्लीयर मीनस जीरो कि अकॉर्डिंगली सैट या क्लीयर होंगे जो ALU दे विच फंक्शन परफॉर्म हो रहा आ तुहाडा 4 बिट स्टेटस रजिस्टर है यह तुहानू दसूगा कि यह बिट्स किस तरह काम कर दी है सब तो पहला देखो 8 बिट्स ALU इहदे विच 8 बिट्स है F0 तो F7 तक दो कैरी आपां C7 ते C8 दोनों कैरी आपां किहनू दित्ते होए XOR नू अगर दोनों कैरी दी वैल्यू सेम आउंदी है मीनस कि दोनों 1 आउंदे है जो दोनों 1 आ जांदे है तां XOR दी आउटपुट की आऊगी 0 अगर XOR की आउटपुट 0 आई तो ओवरफ्लो भी 0 होगा अगर XOR की वैल्यू 1 आती है तो यह मतलब ओवरफ्लो बिट अपनी 1 आनी है क्योंकि तुम्हें पता ही है XOR के दोनों बिट सेम हो तो आउटपुट 0 आती है दोनों बिट्स आपस ऑपोजिट हो तो आउटपुट 1 आती है हम C7 से C8 अगर दोनों 0 हो सॉरी दोनों 1 हो XOR की आउटपुट की आऊगी 0 तो यह मतलब अपना की है ओवरफ्लो है 0 मिल ओवरफ्लो नहीं हो रहा अगर दोनों 1 है
दोनों एक वन है एक जीरो है तो यह मतलब ओवरफ्लो बिट थोड़ी वन आएगी इट मीनस थोड़ा ओवरफ्लो जोड़ा है हो रहा है जी बिट वी ओवरफ्लो सैट टू वन कदों आप वन सैट करा इफ एक्स आर ऑफ द लास्ट टू कैरीज आप देंगे ऑपोजिट रिजल्ट देंगे मतलब कि लास्ट टू कैरीज अपने वन नहीं हो गए जो दोनों वन हो गए तो फिर तो आउटपुट जी आऊगी जीरो आऊगी बिट सी की जी की है कैरी है ये आप कदों सैट करा वन अगर थोड़ी कैरी बिट आती है सी एट जी वन आती है तो कैरी जी बिट है सैट टू वन होगी साइन बिट सैट टू वन कदों आप साइन बिट न वन करा जो एफ सैवन की वैल्यू वन होगी एफ सैवन बिट जी थोड़ी वैल्यू वन है जी साइन बिट हैगी है ये की है अगर थोड़ा एफ सैवन की वैल्यू वन है तो मतलब साइन थोड़ा नैगेटिव है अगर एफ सैवन की वैल्यू जीरो है तो मतलब साइन जो थोड़ा पॉजिटिव है बिट जीरो कदों वन होंगी है जो ए एल यू के जो रिजल्ट है आउटपुट जी की आए सारिया जीरोज आन चैक फॉर जीरो आउटपुट लिया लगया हुआ ये उस देखता है कि ए एल यू का जो रिजल्ट आया वो चैक कर लेंदा कि वह सारिया बिट्स जीरो है अगर सारिया बिट्स जीरो आई हो तो जो जैड की होगा आप करा सैट टू वन मीनस की जैड की वैल्यू वन होगी वन वैल्यू की शो करेगी भी ए एल यू का जो रिजल्ट है वो सारिया जीरो ये मैं नुमेरिकल एग्जाम्पल भी ली हुई है आप वैल्यू लै ली बी की वैल्यू लै ली आप हम की करना है ए बी एचों बी सबट्रैक्ट करना है तो वह आप सैकंड कॉम्प्लीमेंट लवेंगे बी का थोड़ा सैकंड कॉम्प्लीमेंट आ गया उस तो बाद आप ऐड किया ऐड करके थोड़ा आ रिजल्ट आ गया हूँ इस रिजल्ट में देख लो ये जोड़ा है कैरी बिट वन आ रही है एस वन आ रही है वी जीरो आ रहा है जैड जीरो आ रहा हूँ कैरी थोड़ा अपने को वन क्यों आ रहा है क्योंकि सी एट की वैल्यू वन है जोड़ा थोड़ा कैरी है कैरी बिट आ सी एट लास्ट थोड़ा कैरी बहर आया बचे कैरी बिकॉज देर इज ए कैरी आउट ऑफ लास्ट स्टेज एस की वैल्यू वन है क्योंकि थोड़ी लैफ्ट मोस्ट बिट एफ सैवन जिन्हों आप कह वह थोड़ी वन है उस तो बाद वी की वैल्यू जीरो है क्योंकि दोनों लास्ट टू कैरी इक्वल टू वन आए हैं सी सैवन से सी एट दोनों वन है तो अपना की है रिजल्ट की आऊगा जीरो आऊगा तो वी की वैल्यू जीरो आई उस तो बाद जैड की वैल्यू भी जीरो है क्यों जीरो है क्योंकि थोड़ी आउटपुट जी हैगी है वह जीरो नहीं गी अगर आउटपुट सारी जीरो होंगी फिर आप जैड की वैल्यू वन लिखनी सी हाँ जी नैक्सट आ गई है कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन के करते हैं आप शो करने कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन अगर बी वर्ड लगाता जो आप सिंपल इंस्ट्रक्शन लिखनी है आप लिखना है बी जैड अगर आप नॉट की वैल्यू नॉट कर रहे हैं तो आप लिख देंगे बी एन जैड ब्रांच इफ जीरो मतलब बी जैड ब्रांच इफ नॉट जीरो मतलब की है ब्रांच इफ नॉट जीरो इवें ब्रांच बीसी बीसी इज ब्रांच ऑन कैरी एंड बी एन सी इज ब्रांच ऑन नो कैरी इफ द स्टेटेड कंडीशन इज ट्रू प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन इफ नॉट द कंट्रोल कंटिन्यूज विद द इंस्ट्रक्शन दैट फॉलोज तो जो कंडीशनल इंस्ट्रक्शन होंगे कि यूज होंगे जंप स्किप कॉल और रिटर्न टाइप ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन उस तो बाद जीरो स्टेटस बिट कद यूज की जाती है फॉर टैसटिंग इफ द रिजल्ट ऑफ ए एल यू ऑपरेशन इज इक्वल टू जीरो और नॉट जीरो बिट न स्टेटस बिट न की चैक करते हैं कि ए एल यू का जो रिजल्ट है कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा कैरी बिट कद यूज की जाती चैक करने लिए इफ देर इज ए कैरी आउट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजिशन ऑफ ए एल यू कैरी आ रहा है कि नहीं कैरी आ रहा जी साइन बिट है तुम दसदी है कि थोड़ा नंबर नैगेटिव है कि पॉजिटिव है अगर एस की वैल्यू जीरो है तो मतलब पॉजिटिव साइन है अगर एस की वैल्यू वन है तो मतलब नैगेटिव साइन है देयरफॉर ब्रांच ऑन प्लस यदा मतलब ब्रांच ऑन प्लस चैक करती है साइन बिट ऑफ जीरो एंड ब्रांच ऑन माइनस चैक करती है साइन बिट ऑफ वन उस तो बाद अपनी अगलिया जड़िया है थोड़िया आ गई कंडीशन अगलिया ब्रांच इंस्ट्रक्शन की आ गई थोड़िया ओवरफ्लो बी वी बी एन बी ये हम आप देखने कि ओवरफ्लो हो रहा कि नहीं हो रहा यह आप पिछले भी पढ़ लिया स्टेटस बिट के अगर थोड़ी वी की वैल्यू वन है तो इट मीनस ओवरफ्लो हो रहा है ब्रांच इफ ओवरफ्लो अगर अपना वी की वैल्यू जीरो है तो मीनस की अपना ब्रांच नहीं ओवरफ्लो हो रहा दोनों अगर दोनों कैरी बिट्स जो सी सैवन से सी एट वन आदि है तो थोड़ी वी की वैल्यू जीरो होगी यह मतलब नो ओवरफ्लो अगलिया आ गई जी अनसाइंड कंपेयर कंडीशन जो आप ए माइनस बी करना है तो कंपेयर करना है वैल्यूज न जिमें आप देखिए बी ए ग्रेटर दैन बी तो बी एच आई इंस्ट्रक्शन यूज करोगे जे तुसी देखना है ब्रांच इफ ब्रांच ता करे जे हायर और इक्वल है जे हायर है या इक्वल है ता भी ब्रांच कंडीशन यूज हो करा बी एच ई इवें ब्रांच इफ लोअर या ब्रांच इफ लोअर और इक्वल
branch if equal, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है ए एंड बी, ब्रांच इफ नॉट इक्वल जो दोनों अपोजिट है। उसके बाद आगे साइंड कंपेयर कंडीशन, साइंड कंपेयर कंडीशन दे विच की है ब्रांच इफ ग्रेटर दैन, आपां इहदे ग्रेटर यूज कर लिया, बी जी ई ब्रांच इफ ग्रेटर और इक्वल, बी एल टी इज ब्रांच इफ लैस दैन, बी एल ई इज ब्रांच इफ लैस दैन इक्वल टू, बी ई हो गया तुहाडा ब्रांच इफ इक्वल, एंड बी एन ई जिहड़ा हो गया ब्रांच इफ नॉट इक्वल। जे तुहाडी बी एन ई ते बी एन जेड हैगी है दोनों आइडेंटिकल है, ਇਵੇਂ ਬੀ ਈ ਤੇ ਬੀ ਜ਼ੈਡ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਕਾਲ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨ। ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਕੰਟੇਨਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਪਰਫਾਰਮਸ ਏ ਗਿਵਨ ਟਾਸਕ। ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਮੇ ਕਾਲ, ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਟੂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਸਬ ਰੂਟੀਨ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਗਈ ਆਫਟਰ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਬੈਕ ਟੂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਲੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਲੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਟੈਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੌਪ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੰਟੈਂਟ, ਕਾਹਦੇ? ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੋਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪੀਸੀ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ 105 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਨ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਲਿਊ 105 ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਪਟ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇੰਟਰਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕਾਵਟ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਫਰੋਮ ਅ ਕਰੰਟਲੀ ਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਜਨਰੇਟਡ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਓਰਿਜਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਓਰਿਜਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਅਰ ਆਰ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਟਰਪਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਟਰਪਟ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਾਜ਼ਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਆ ਗਈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਰਕਿਟ ਤੋਂ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਟਰਪਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਟਰਪਟ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 0 ਲਿਖਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲਿਖਤਾ, ਜਾਂ ਸਟੈਕ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਟਰਪਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਟਰਪਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਪਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਟਰਪਟ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਾਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਮੀਨਸ ਫਾਰ ਸਵਿਚਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਸੀਪੀਯੂ ਯੂਜ਼ਰ ਮੋਡ ਟੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੋਡ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਪੀਯੂ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਮੋਡ ਟੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੋਡ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ ਮਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ਰ ਮੋਡ 'ਚ ਹੀ ਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੋਡ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਾਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਟਰਪਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਟਰਪਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਪੀਯੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ਰ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।